मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। रिवीजन बेटा जरूर करते रहें, जिंदगी में रिवीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जो आपको पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज करते रहें, जो आपको डीपीपी मिल रही है उसको आप सॉल्व करते रहें, और सभी चीजें करते रहें, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हो या फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हो या फिर मैथ्स या बायो पढ़े जा रहे हो, ठीक है। मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, ये होता है सिलेक्शन का एकदम मूल मंत्र। क्या बोला मैंने, लिख के बताओ जरा चैट बॉक्स में। मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, ये मूल मंत्र है एकदम। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो, मतलब जेई नीट वाले दोनों ही हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में से कोई ना कोई एक में आपकी मास्टरी हासिल होनी चाहिए, और होती भी है बेटा बच्चों की, बिल्कुल होती है, कोई ना कोई एक में मास्टरी होती है। तो आप पहचान लो कौन सा है वो तुम्हारा मास्टर वाला, जिसमें तुम कम एफर्ट लगाते हो फिर भी तुम्हें समझ में आ जाता है वो तुम्हारा मास्टर वाला है, और जिसमें बहुत एफर्ट लगाते हो उसको तुम मास्टर तो नहीं बना सकते हो, लेकिन उसको तुम एवरेज की कैटेगरी में ला सकते हो। मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, यही एकदम सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करो, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर चुके हैं। हमको फिजिक्स बहुत अच्छी समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम उसको थोड़ी एवरेज की कैटेगरी में ले आए थे, हालांकि जेई एडवांस में तो नहीं हुआ, लेकिन एचबीटीआई तो मिल गया था। तो मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, ध्यान रखो, बढ़िया हो जाएगा काम।